So today we will solve this worksheet. Okay, fill in the blanks. Help box given to you, these words na, this is called help box, and you have to choose the words from this help box and you have to fill in this blanks. Okay, a special dress worn to work is called, jo special kapde hote hain that during our work we wear, that dress is called, we know that dress is called uniform. ओके सो फर्स्ट ए में आ जाएगा यूनिफॉर्म. नाउ यू ऑलरेडी चोज यूनिफॉर्म, सो इट्स बेटर यू कट, यहाँ से कट कर दो आप, बिकॉज यूनिफॉर्म इज ए, वी ऑलरेडी चोज इट, हमने इसको चूज कर ले गया, पहले से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको कट कर दो. देन वी हैव ओनली थ्री, इल, पार्सल्स एंड पुलिसमैन. अ डैश गार्ड्स अवर नेबरहुड, हमारा नेबरहुड कौन गार्ड करता है. इल, इल मीन्स बीमार. पार्सल्स मीन्स जो आपके पैकेट्स आते हैं. एंड पुलिसमैन, तो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर, पुलिसमैन. अ पुलिसमैन गार्ड्स अवर नेबरहुड. ओके, पी ओ एल आई सी ई, पुलिस मैन. अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड, अ पुलिसमैन हो गया बी में, एंड पुलिसमैन जस्ट कट पुलिसमैन. नाउ वी हैव ओनली two words left, ill and parcels. A postman delivers letters and parcels. Okay, parcels bhi ho gaya. Now what is left, only ill. A doctor treats us when we are ill, means doctor humko kab treat karta hai, kab theek karta hai, when we are ill. Ill means bimar. Write true or false. True means correct and false means wrong. फायरमैन यूज वाटर टू पुट आउट फायर, इज इट ट्रू, बिकॉज फायरमैन क्या पानी डालता है ना, सो इट्स ट्रू. देन शॉपकीपर सेल्स थिंग्स, शॉपकीपर सामान बेचता है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. मैसॉन बिल्ड्स वॉल्स, जो मैसॉन होता है जो बिल्डिंग बनाता है वो वॉल्स भी बनाता है ना, मैसॉन मतलब जो बिल्डिंग एंड ये सब सीमेंट वाला काम करता है, दैट इज कॉल्ड मैसॉन. तो मैसॉन बिल्ड्स वॉल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू. बाबर कट्स अवर हेयर, बाबर हमारे जो बार्बर होता है जो हेयर हमारे काटता है, दैट सैलॉन में दैट पर्सन इज कॉल्ड बार्बर. सो बार्बर कट्स अवर हेयर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ओनली. सर्कल द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट मीन्स जो गलत है उसको आपको सर्कल करना है, अनकॉमन होगा, ऑड होगा. नीडल थ्रेड एंड डस्टर, सो नीडल एंड थ्रेड यूज बाय टेलर, बट डस्टर इज यूज बाय टीचर ओनली ना, सो विच इज ऑड वन आउट, दिस डस्टर. स्क्रू ड्राइवर, स्पून एंड स्पैनर, सो स्क्रू ड्राइवर and spanner is used by mechanic, plumber, but spoon is something odd. Spoon means khane wali spoon. Book, tap and blackboard, so book and blackboard, these are the tools used by teacher, but tap is odd one out, so we have to circle the tap. Then broom, mop, injection, so we can see broom and mop is used by sweeper, but injection is odd one out because injection is used by doctor or nurse. Okay, then come to the second page. Name the people who help us at home, and you have to write द पीपल हु हेल्प अस एट होम, हमारे घर पर कौन कौन हेल्प करता है, जो आपके घर आके हेल्प करता है. सो वी कैन राइट पोस्टमैन, ओके, देन मिल्कमैन एंड वन दोज हु इज़ आउटसाइड पर्सन बट ही हेल्प्स यू एट होम, आपके घर के उसमें आके हेल्प करता है, तो और क्या हो सकता है, पोस्टमैन, मिल्कमैन, देन वन इज
योर मेड ऑल्सो, और यू कैन चूज योर दिस, यू कैन राइट मेड ऑल्सो, मेड ओनली.